रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चो। रण जी इस दोहे में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। जिंदगी में इंसान को अपना स्वाभिमान नहीं होना चाहिए, जिंदगी में इंसान को अपना स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। धन दौलत पैसा शोहरत ये आनी जानी चीज़ें हैं, आती है ज़िंदगी में चली जाती है। देखा दुनिया में लोगों को कई बार अच्छे रिच अमीर हो जाते हैं, वक्त आता है वो इंसान फिर दोबारा स्ट्रगल करते हैं, सब कुछ चला जाता है। यहाँ पानी का मतलब इस पानी बाहरी पानी जल तत्व से नहीं है, इसका मतलब हमारे आँखों की शर्म, आँखों की चमक, हमारी जो दुनिया में इज्जत है उससे है। हर इंसान का चाहता है मेरी दुनिया में इज्जत हो, मेरी शोहरत हो। कोई इंसान नहीं चाहता दुनिया में मेरी बदनामी हो, मेरी बेइज्जती हो। तो रहीम जी इसी के बारे में कह रहे हैं कि इंसान को ज़िंदगी में कभी भी बारी तड़क भड़क इस बारी धन दौलत माया के पीछे अपना स्वाभिमान कभी नहीं खो देना चाहिए। जैसे अगर धरती पे पानी ना हो तो सारी वनस्पति सूख जाएगी, कुछ भी नहीं है। मरुस्थल में जाओ, राजस्थान के टिब्बे देखो, क्या है वहाँ, कुछ भी नहीं है चारों तरफ। तो वहाँ बिना पानी के सब सुन है, कोई वहाँ लोग बसते भी नहीं है जहाँ पानी नहीं है, कौन रहेगा जहाँ पानी नहीं है। सो इसी प्रकार जब हम लोगों का स्वाभिमान चला जाता है, हमें कोई भी इज्जत की दृष्टि से दुनिया में नहीं, कोई हमें वो इज्जत नहीं देता। ये नहीं है कि पैसे से स्वाभिमान आएगा, गरीब का भी स्वाभिमान होता है। अगर गरीब है तो पैसे से गरीब है, कर्म से कोई गरीब नहीं होता। सो रहीम जी बड़ी स्पिरिचुअल बात कर रही हैं, यहाँ पे बड़ी गहराई की बात कर रही हैं कि इंसान जिंदगी में कभी अपना आत्म स्वाभिमान मत खोना, उसको संभाल के रखना। वैसे जब तुम्हारा स्वाभिमान चला गया, तुम्हारी इज्जत मान यश, बस तुम्हारे पास करोड़ों पैसे हैं, किसी काम नहीं है। सत्र सुन, पानी गई न उगरे मोती मानुष चुन। जिस प्रकार बिना पानी के मोती की चमक चली जाती है, मोती पानी के अंदर सीप के अंदर घुसता है, पानी नहीं है तो इंसान जीवित नहीं रहेंगे। पानी पे सब कुछ आधारित है। तो इसी प्रकार जब हमारा स्वाभिमान चला जाता है, फिर हमें वो इज्जत मान मर्यादा, हमारी चमक खत्म हो जाती है। देखते हैं दुनिया में कुछ लोग हैं पैसे को ही मुख्य रखते हैं, उसी पे सब कुछ करते हैं, उसी के हिसाब से अपनी हर जिंदगी की चीज़ को तोलते हैं। जब आप लोगों का स्वाभिमान चला जाता है, बेशक लोग आपके पास पैसा है, आपका स्वाभिमान है, मुंह पे आपके लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ के पीछे आपकी कोई भी बड़ाई प्रशंसा नहीं करेगा। अगर हमने अपने आँखों के पानी को बचा के रखा है, इसी आधार पर कबीर साहब भी फरमाते हैं, कबीर हम जग में आए जग हंसा हम रोए, कबीर हम ऐसी गर्दी कर चले हम हंसे जग रोए। ये होती है आंखों की चमक, आंखों का पानी, जो कबीर साहब ने किया सारी उम्र गरीबी के अंदर, जो परमार्थ का काम किया, बच्चे भी हुए, शादी भी की, सब कुछ किया उन्होंने गृहस्थ में रह के।
लेकिन उन्होंने कभी भी अपना स्वाभिमान किसी राजा महाराजा किसी के आगे नहीं बेचा। उन्होंने अपने स्वाभिमान को बचा के बेसकुन को मदमस्त हाथी की शराबी हाथी के आगे भी डाल दिया, लेकिन हाथी ने भी उनकी उनका स्वाभिमान था ना अपना, हाथी ने भी उनको नमस्कार किया। सो इसलिए कबीर रहीम साहब कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मन सुन। वैसे तुम्हारे पास करोड़ों रुपये हैं, करोड़ों खरबों की जायदाद है, स्वाभिमान नहीं, हमारी आंखों का पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब सुन।